हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेमस किचन वंस अगेन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिंपल आलू पम्पकिन यानी कि आलू कद्दू का सब्जी बनाने जा रही हूँ। इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर वगैरह ये सब का इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसे अपना किचन में ज़रूर ट्राई करें। चावल या रोटी या पराठा या पूरी किसी के भी साथ इसे सर्व किया जा सकता है। सो लेट्स मूव टू माय मस्ट किचन टू प्रिपेयर आलू पम्पकिन यानी कि आलू कद्दू का सब्जी। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं 100 ग्राम कद्दू, एक मीडियम साइज का आलू, दो हरी मिर्च और एक तिहाई छोटी चम्मच कलौंजी। बस इन चीज़ों का आवश्यकता है। इसे बनाने के लिए हमें प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। हरी मिर्च को हम इस तरह स्लिट कर लेंगे, ये देखिए। इसके बाद हम आलू का छिलका निकाल लेंगे और उसे 1 इंच क्यूब्स में काट लेंगे, ये देखिए इस तरह। कद्दू को हम 2 पीसेस में काट लेंगे और उसके बाद इसका छिलका निकाल करके इसको 1 इंच क्यूब्स में काट लेंगे। ये देखिए इस तरह आलू और कद्दू का जो टुकड़े हैं उसका साइज एक जैसा रखें। अब हम कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल में हम 1/3 छोटी चम्मच कलौंजी और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। कलौंजी और हरी मिर्च को हम करीब 30 सेकंड्स के लिए इस तरह फ्राई कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में आलू और कद्दू जो हम पीसेस में कट के रखे थे उसे ऐड कर देंगे। चम्मच से एक बार स्टेयर कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में 1/4 छोटी चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक और हल्दी के साथ हम आलू और कद्दू को करीब 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, इस सब्जी को बनाने के लिए हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, ना जीरा, ना धनिया, ना गरम मसाला, ना प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, कुछ भी नहीं। ये बहुत ही सिंपल सब्जी है, इसका स्वाद भी यूनिक होता है, बहुत ही अच्छा होता है। 2 मिनट के लिए हम अच्छे से आलू और कद्दू को फ्राई कर लेंगे। दो मिनट बाद हम कढ़ाई में करीब 1/2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। पानी को बॉईल होने देंगे। पानी उबल जाने पर हम इसे ढक देंगे और गैस को बिल्कुल कम कर देंगे। अब हम सब्जी को करीब 12 से 14 मिनट तक कुक होने देंगे, ये देखिए। 12 मिनट बाद हम ढक्कन को खोलेंगे और इसमें करीब 1/4 छोटी चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऑप्शनल है, पर चीनी के साथ ये सब्जी बहुत ही अच्छा लगता है। हम आलू और कद्दू को थोड़ा सा चेक कर लेंगे, ये बहुत अच्छी तरह कुक हो गया है। अब हम कढ़ाई में करीब 1/4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। गैस बंद कर देंगे और कच्चा सरसों तेल के साथ सब्जी को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब ढक्कन को बंद कर देंगे और सब्जी को करीब 10 मिनट के लिए इस तरह ढके हुए रहने देंगे। कच्चा सरसों तेल का फ्लेवर इस सब्जी में बहुत ही अच्छा लगता है। आप ये आलू और कद्दू का सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार। इसे आप चावल, रोटी, पराठा, पूरी किसी के भी साथ सर्व करें। इस सिंपल रेसिपी के साथ आप बहुत ही अच्छा सब्जी बन करके तैयार करेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का रेसिपी। इसे अपना किचन में ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माई मस्त किचन।